देखिए पहले तो रूट वर्ड्स देख लीजिए, वोकैबुलरी में ये रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एक बार अगर आपको किसी रूट का पता चल जाए तो बहुत इजी होता है मीनिंग सेंस आउट करना। जैसे मैंने बताया कि एंटी शब्द इंग्लिश में कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब किसी के खिलाफ काम करना होता है, किसी के अपोजिट या अगेंस्ट काम करना होता है। अब चाहे एक शब्द में आए या एक हजारों में, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एंटीवायरस आपने सुना है, जो वायरस के खिलाफ काम करे। एंटीबायोटिक दवाई सुनी है, तो एंटीबायोटिक इसका अगर संधि विच्छेद करें तो वो क्या होगा, देखिए एंटी प्लस बायोटिक। बायो शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन, सोल, आत्मा। जैसे कि बायोलॉजी, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो बायो प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब विज्ञान, बायो का मतलब जीवन, तो बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता, बायोफ्यूल जैविक ईंधन, बायोमास बायोमोलिक्यूल। और एंटीबायोटिक का मतलब आप जानते हैं, दवाई दी जाती है। एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन सुना है, एंटी पार्टी सुनिए गांव में, एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म, ऐसे ही एंटीपैथी, एंटी टैली, एंटी बेलियम, एंटी टेलियम, एंटी पोलियम, एंटी हेलियम। भले ही इनका मतलब आपको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एंटी है, किसी भी शब्द के आगे आए, किसी भी वोकैब में आए, इसका मतलब किसी के खिलाफ ही होता है। तो इस तरह से आप एक मीनिंग के बेसिस पर हजारों मीनिंगों को सेंस आउट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे अगला रूट है मेरा स्क्राइब या स्क्रिप्ट आ जाए, इसका मतलब है लिखना या लिखा हुआ। जैसे कि इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब टू राइट लेटर्स और वर्ड्स ऑन अ सरफेस, यानी किसी सतह पर लेटर्स को और वर्ड्स को लिखना क्या कहलाया, इंस्क्राइब कहलाता है। ठीक है भाई, स्क्राइब का मतलब क्या है, अ पर्सन हु राइट्स आउट डॉक्यूमेंट। स्क्राइब का मतलब ऐसा व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट्स को लिखने का काम करता है। और डिस्क्राइब का मतलब है टू रिप्रेजेंट विद वर्ड्स और पिक्चर्स, किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं उसका, तो रिप्रेजेंटेशन देते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर वर्ड्स, हम शब्दों के माध्यम से और पिक्चर के माध्यम से। तो टेक्निकली आप ये मोटा मोटा कैच करिए कि स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट शब्द इंग्लिश में कहीं भी आए, इसका मतलब लिखा हुआ या लिखने से संबंधित होता है। जैसे स्क्रिप्ट होती है ना, पिक्चर की बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का मतलब स्टोरी लिखी गई है, राइट। स्क्रिप्ट सुनिए ना, पिक्चर की स्क्रिप्ट आपने, ठीक है भाई। ऐसे ही ये एसई शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है अपार्ट। अपार्ट का मतलब दूर दूर, जैसे सेपरेट सुना है, सेपरेट का मतलब पृथक पृथक, दूर दूर। तो सी जहां भी आ जाए इसका मतलब अपार्ट। सी सीड का मतलब, सीईडी का मतलब होता है टू गो, सीईडी का मतलब टू गो, जैसे प्रोसीड, हाँ जाओ, ठीक है। तो सीईडी का मतलब है टू गो, जाना, और CE का मतलब अवे फ्रॉम, अपार्ट, अलग हो जाना। तो सीसीड का मतलब है टू फॉर्मली ब्रेक अवे फ्रॉम, किसी चीज से टूट जाना, पृथक हो जाना, राइट। सिक्लूड का मतलब क्या होता है, टू कीप अवे फ्रॉम, किसी से दूर रहना। और सेरम, सेरम एक ऐसा लिक्विड होता है, ऐसा द्रव होता है जो एक दूसरे से पृथक रहता है, अपार्ट रहता है, दूर रहता है। तो इंग्लिश में सेपरेट हो या सेरम हो या सिक्लूड हो या सीसीड हो, इन सब का मतलब ही अपार्ट, दूर रहने से संबंधित होता है। इस पर और भी हजारों मीनिंगों में ही आ सकता है, लेकिन आप इतना याद रखिए ये आ गया तो इसका मतलब दूर दूर से संबंधित होता है। आई होप आई सेक्शन सुना है, सेक्टर सुना है, तो उसमें दूसरा रूट है, वो रूट कौन सा है हमारा, सेक्ट। और सेक्ट का मतलब क्या होता है, टू कट, यानी कि काटना। जैसे सेक्शन में आपको काट देते हैं ना, 12th A, 12th B, 12th C, तो सेक्शन का मतलब खंडों में बांट देना। सेक्टर, सेक्टर सुना है आपने, ये जो सर्कल होता है इसको, इसके एक भाग को काट देना, उसको क्या कहते हैं, सेक्टर। सेगमेंट सुना है आपने, सिमिलरली इंटरसेक्ट सुना है आपने, सेक्ट का मतलब काटना, इंटर का मतलब प्रतिच्छेदन करना। जैसे कि ये जो लाइन है, ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु या काट बिंदु। तो सेक्ट का मतलब टू कट भी होता है, यानी कि काटना होता है। इसमें दूसरा रूट सेक्ट है, सी नहीं है, क्लियर है भाई। अगला शब्द देखिए, ये देखिए, मैं इसका कर रहा था। सेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना।
जैसे डिसेक्ट, डिसेक्ट का मतलब पीस बाय पीस काटना, पीस बाय पीस काटना, टू कट अपार्ट पीस बाय पीस। ऐसे ही इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा प्लेस जहां पर दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जब मैंने कहा ये लाइन है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, मैंने एक शब्द बताया था आपको बाई, बाई का मतलब कितना होता है, दो। बाइसिकल का मतलब क्या होता है, द्विचक्र वाहिनी, यानी कि साइकिल दो पहिए जिसके हैं। ट्राईसाइकिल क्या होता है, टम्पू, त्रिचक्र वाहिनी, ठीक है, जिसके तीन चक्र हैं, राइट। तो जैसे बाइसेप्स, बाइनोकुलर्स, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, बाई का मतलब जहां भी आए इसका मतलब दो, और सेक्ट का मतलब काटना, तो बाइसेक्ट का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो संधि विच्छेद होगा बाई प्लस सेक्ट, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सम, सम का मतलब बराबर, और द्वे, द्वे का मतलब दो, और भाजन का मतलब काटना, तो सम द्विभाजन, इंटरसेक्शन। बाइसेक्ट का मतलब सम द्विभाजन, दो भागों में बांटना। ठीक है, सेल्फ शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब ऑफ, फॉर और बाई इटसेल्फ, खुद। जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, तो खुद को डिसिप्लिन में रखने की, अनुशासन में रखने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, स्व अनुशासन। ठीक है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट आपने सुना होगा, रेस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं कर सकता उसका कभी जगत में कोई सम्मान नहीं हो सकता। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब कंसर्न ओनली विद योर ओन इंटरेस्ट, जिसको अपने हितों से ही कोई मतलब है, दूसरे के हितों से कोई लेना देना नहीं है, स्वार्थी, सेल्फिश, राइट। और आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे कि एक होता है सेल्फ सेंटर्ड, कुछ होते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड टॉकर, खुद से बात नहीं करते, जो खुद के बारे में ही बहुत करते रहते हैं, यानी कि सेंटर का, टॉक का सेंटर खुद ही होते हैं। अभी तुमने मेरा वहां पे देखी है कोटी, अपनी जो बड़ाई, अपनी जो बड़ाई करते हैं, उसके लिए एक और शब्द है, मैंने कहा था इगोटिस्ट। इगो का मतलब होता है मैं, आई, जहां भी इगो आए। तो दो आदमी होते हैं, एक तो इगोटिस्ट, एक होता है इगोइस्ट। अब इन दोनों में देखिए काफी डिफरेंट है शब्द में। इगोइस्ट वो आदमी होता है जिसकी सेल्फ एडवांसमेंट की प्रवृत्ति होती है। मेरे शब्द आपके दिमाग में गूंजने चाहिए बस। सेल्फ एडवांसमेंट का मतलब उसको बस खुद का उद्धार करना है, दूसरे की कोई लेना देना नहीं है उससे। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मान लिया मेरा पड़ोसी आता है कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जरा प्लीज गाड़ी से चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, तो मैं कहूंगा, मैं कह जाऊं भाई मेरा क्या लेना देना, तेरा बच्चा मरे गिरे मुझे क्या मतलब। यानी कि वो हर काम को करने से पहले एक क्वेश्चन खुद से पूछता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। ये क्वेश्चन उसका क्या होता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। और इतनी सेल्फ एडवांसमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ एडवांसमेंट की प्रवृत्ति इतनी घर कर जाए कि आप असामाजिक हो जाओ, तो उसको हम कहते हैं इगोइस्ट। वो प्रवृत्ति इतनी तल्लीन हो चुकी है कि आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं, सामाजिकता से कोई मतलब नहीं, मानवता के मापदंडों से कोई मतलब नहीं, ह्यूमैनिटी से कोई मतलब नहीं, कोई आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, कोई आपके अंदर सिंपैथी की भावना नहीं है किसी के प्रति। तो ऐसा आदमी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैनेजर सोशल एनिमल, वैसा व्यक्ति किसी काम का है नहीं समाज, तो उसको असामाजिक कहते हैं। बस उस तत्व ने कोई क्राइम नहीं किया, नहीं जेल में डाल देना चाहिए, राइट। वो क्राइम तो करते नहीं, अपना उद्धार करते रहते हैं बस, आ जाओ भाई उनके फायदे का कोई काम होगा तो तुरंत तुम्हारे साथ चिपक के चलेंगे, चलो साहब। तो उनको कहते हैं इगोइस्ट। और दूसरा शब्द है इगोटिस्ट। इनमें जो डिफरेंस है, बड़ा सेम सी स्पेलिंग ले रही है, वो ये टी शब्द से डिफरेंस कर लेना। इगोटिस्ट का मतलब वन हु टॉक्स अबाउट हिज अकम्प्लिशमेंट्स, जो अपनी उपलब्धियों का बखान करता रहता है। अभी देखा मोदी जी कह रहे थे भाई फोटो खिंचा लो मेरे संग, गए मोदी मोदी के संग क्या फोटो खिंचाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप आया, वो कह रहा कि अभी मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ जाऊं, कोई जरूरत नहीं है, मैं बिजी हूं। मतलब जो अभी तुमने देखा मेरा वो वाला, वो कोठी देखी मेरी, अरे क्या बनाई है भाई साहब, भूतो ना भविष्य की, कोई बना ही नहीं सकता ऐसी। तो बिल्कुल इंद्र तो उसका आर्किटेक्चर फिक्स करके गया था, फिर मैंने विष्णु भगवान से बोल के उसको विश्वकर्मा को बुलाया, मैंने कि जरा ढंग से ईंट मीटे लगवाओ यार,
इगोटिस्ट का मतलब हु टॉक्स अबाउट हिज अकम्प्लिशमेंट्स, जो अपनी उपलब्धियों का बखान करता रहता है, उपलब्धियों की चर्चा करता रहता है, उसको बोलते हैं इगोटिस्ट। और एक होता है सेल्फ सेंटर्ड टॉकर। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब उसके केंद्र में मेरे बारे में बात होनी चाहिए बस, ज्यादा कुछ नहीं। भाई तुमने ये कैसे किया, मतलब केंद्र में मैं चाहिए, तो उनको कहते हैं सेल्फ सेंटर, आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध भी कह देते हैं ऐसे व्यक्ति जो खुद में ही रहता है। तो सेल्फ सेंटर टॉकर का मतलब पागल होता है वो, तो खुद से बात करे उसको संत भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं ना कि आपको दीपो भव बी द कैंडल ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या सत्य तक पहुंचने के लिए कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है कि बैठो बस में टेम्पो में पहुंच जाओ, उसके लिए खुद की पगडंडियां हैं छोटी छोटी, और छोटी छोटी पगडंडियों से होकर आपको गुजरना है। अगर आपको एयरफोर्स का टेस्ट क्लियर करना है, एसएससी का क्लियर करना है, या बैंकिंग का करना है, तो सबसे पहले आपका खुद का लक्ष्य है कि आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही। ये नहीं है तो पड़ोसी को नहीं आ रही तो तुम्हें नहीं आएगी, इसकी अलग कमजोरियां, इसकी अलग, इनका साथ ही आता है उसकी अलग कमजोरी है, उसको जोड़वा के बड़ा भाग नहीं आता है, लेकिन चल तो दिया ना लक्ष्य की तरफ। अब आगे तो वो है जो अभी चले ही नहीं है, बीबीए भी कर रहे हैं और एमबीए भी करना चाहते हैं और जीएलए से करेंगे। अब जीएलए की क्या वैल्यू है, कौन पूछ रहा है जीएलए को, वही तुम फिर पैकेज के लिए परेशान होंगे साहब, 2 लाख का मिल रहा है, 3 लाख का मिल रहा है, जीएलए से करोगे तो इतना मिल जाएगा ही बहुत है भाई। लेकिन जब आपने कैट जैसे टेस्ट का, जो सर्वोपरि टेस्ट है ग्रेजुएशन के बाद, कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसका आपने लक्ष्य रखा, तो वो बच्चा समझ तो रहा है ना बेसिक्स को, बीच में डिस्टर्बेंस हुआ वो बात अलग है। मैं इनसे भी कहता हूं कि भाई उनकी हेल्प करो, क्योंकि ध्यान रखना टीम, जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे और टीम वर्क जितना होगा तो उतना ही ये कहीं ना कहीं आपके आगे काम आएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बिल्कुल तिनके की ओट जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल तिनके का सहारा डूबते को, तो कभी कभी वो तिनका है ना वो भी सहारा लगाने का काम कर देता है। ऐसी ऐसी स्थितियां आती है हमारी लाइफ में। तो आप अगर हेल्प करके खुश हैं तो पहली चीज तो आप में एक लीडरशिप का गुण है, और आगे जिनमें लीडरशिप का गुण है उनको ही प्रमोट किया जाएगा, वेदर इट इज एयरफोर्स, एसएससी में भी इंटरव्यू की प्रक्रिया लाने लग रहे हैं, और एयरफोर्स वगैरह में तो पहले से ही है, विदाउट इंटरव्यू तो आपको कहीं टीचर का टेस्ट दे लो, कुछ भी दे लो, एक कर्मचारी की नौकरी करोगे तो भी अब इंटरव्यू, राइट। तो वहां ग्रुप बिहेवियर काम देता है, बिकॉज आपके अंदर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन जैसे गुण नहीं है तो आगे बढ़ने की प्रवृत्तियां और पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो ठप्प है तुम्हारे। और डिफेंस में तो इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए, हीरोगिरी के लिए कोई स्थान है ही नहीं, कोई सन्नी देओल नहीं है वहां पे, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और अगर ग्लोरी मिलेगी तो पूरे ग्रुप को मिलेगी, एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी। तो डिफेंस डज नॉट हैव एनी रूम एनी स्पेस फॉर द इंडिविजुअल ग्लोरी, वहां सारा कुछ टीम वर्क होता है, वहां सारा कुछ ग्रुप बिहेवियर से किया जाता है। अभी मैं कह रहा था ना 3 बार से बच्चा फेल हो रहा था, कभी भरतपुर कभी महाजन, कहां कहां घूम रहा है, किसी कोचिंग में बैठ गया फिर वहां से आ गया, मेरे पास पता नहीं किसने बताया, मैंने अब तू बिल्कुल सही जगह आ गया, शांत कर, भीड़ भाड़ से दूर रहे, 1 करोड़ % तेरा सिलेक्शन होगा, जीडीपीआई में रुक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने देखा कहां से नेगेटिविटी थी। पर्सनली मैंने उसको कम से कम 10-15 दिन पर्सनली ट्रीट किया, उसको मैंने 15-15, 20-20 या 20-25 मिनट तो ऑन एन एवरेज मैंने 10 दिन उसको दिया हूं। और इंडिविजुअली अगर मैं 20 मिनट दे रहा हूं, 10-10, 15-15 दिन दे रहा हूं, तो 300 मिनट बहुत होती है एक बच्चे के लिए। मैंने सारी पहले तो उसका कबाड़ा हटाया, क्या मैंने दिमाग में कचरा बना रखा है, मैंने सोच समझी कहां तक सोच रहा है, किस डायरेक्शन में सोच रहा है, किस टॉपिक में सोच रहा है, उन सोच को हटाया, टॉपिक को हटाया, फिर कहा कि भैया ये संविधान है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो और देश चलता है मापदंडों के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी, नहीं तो उनके यहां तो मतलब सवर्ण और उसका ऐसा चक्कर है कि मतलब कोई बरात नहीं निकाल सकता है उनके यहां अभी भी, तो सोच तो आपकी वही रही होगी ना, सोच समाज आपकी बना के देता है जहां भी जिस टुकड़े में भी आप रहते हैं। लेकिन अभी हम सभ्यता की ओर अग्रसर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये समझ में आ गया एगोटिस्ट एगोइस्ट क्या होता है, और सेल्फ सेंटर्ड का मतलब खुद ही सेंटर है बात का। अगला देखिए, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी सर्कल का मतलब अर्धगोला, उसको हाँ अर्धगोला को कहते हैं हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब भी आधा, और सेमी, सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ये सर्कल सर्कल का आधा, इसको कहते हैं अर्धवृत्त। इसका पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो इसका कितना होगा, गलत, पाई आर प्लस 2 आर,
क्योंकि परिमाप का मतलब होता है, पैरामीटर का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ। अगर त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, इसकी साइड ए बी सी है, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पैरामीटर जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, क्योंकि सेमी पैरामीटर का मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब टोटल लेंथ। अगर एक वायर आपने लिया और उससे एक त्रिभुज बना दिया, तो वायर की लंबाई एक मीटर है, तो त्रिभुज का पैरामीटर कितना रहेगा, एक मीटर। पैरामीटर का मतलब टोटल लेंथ, ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पैरामीटर का मतलब उसका आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, अर्ध परिमाप। ऐसे ही एक मीटर का तार लिया, सर्कल बना दिया, तो कितना हो गया, टू पाई आर। लेकिन ये जो गोला है ना, ये टोपा कैप, ये है पाई आर, और यहां पर ये आर आर भी तो है ना, ये डायमीटर और जुड़ेगा, तो इसका परिमाप होगा ये पूछा गया एसएससी में कई बार, ध्यान रखना, क्लियर। तो सेमी एनुअल का मतलब साल में दो बार, एवरी हाफ ईयर। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल। सेमी कॉन्सियस का मतलब अर्ध चेतन, यानी पार्टली कॉन्सियस, कहते ना मैं थोड़ा थोड़ा होश में था। और सेमी एनुअल का मतलब एवरी हाफ ऑफ द ईयर। सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त, और सेमी पैरामीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सेप्ट का मतलब होता है साठ, सेप्टेंबर। आप सोचेंगे सेप्टेंबर क्या है भाई, सेप्टेंबर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर तो नौवां महीना होता है। सर आप कौन सा गणित पढ़ा रहे हो, सातवां महीना बता रहे हो। लेकिन अगर आप रोमन कैलेंडर का अध्ययन करें, और ये अभी भी चीज चल रही है, रोमन वोमन कैलेंडर, उनकी स्टडी अभी भी पुरातत्वविद करते हैं, और उनके हिसाब से बहुत से लोग उस मान्यता से जीते हैं। हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, मेरा जन्म हुआ है 1587, लेकिन आज तक जिंदगी में मैंने 1587 यानी कि 15 जुलाई को जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं। वो फेसबुक किया जन्मदिन है मेरा, लेकिन जन्म वही हुआ था। अब क्या, मम्मी कैलकुलेशन अलग करती है, सावन भादो मास हूं स्क्वायर कार्तिक, और अब तेरा है, मतलब कभी कहीं कभी पड़ जाता है, कभी कहीं पड़ जाता है, क्योंकि वो किस कैलेंडर के हिसाब से पड़ता है, रीति रिवाज के, हिंदू के हिसाब से। ऐसे ही भले ही हम इस कैलेंडर में भरोसा कर रहे हैं, विदेशी कैलेंडर में, लेकिन आपने देखा होगा कि नए साल पे सब तो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, हिंदू क्या कह रहे थे, नहीं हमारा साल अभी आएगा, अभी नहीं लगेगा, नवदुर्गा जब स्टार्ट होगी तब हमारा साल होगा, अब 13 अप्रैल से हमारा साल स्टार्ट होगा, तो हमारा भी अपना कैलेंडर है या नहीं। ऐसे ही रोमन का अपना कैलेंडर है, और रोमन कैलेंडर के अनुसार दिस यूज टू बी द सेवेंथ मंथ इन द रोमन कैलेंडर। ये रोमन कैलेंडर का सितंबर सातवां महीना होता था। ठीक है, डेकागन सुना है आपने, डेकागन सुना है आपने, दिसंबर क्या होता है, डेकागन का मतलब हुआ कि डीईसी शब्द जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है 10। जैसे कि डेका, डेकागन का मतलब, देखो गन का मतलब, जीओ एन का मतलब क्या होता है, एंगल, कोण, समझिए इसका शब्द का संधि विच्छेद, पोस्टमार्टम करिए इसका। जीओ एन का मतलब होता है एंगल, और मैंने इसके संदर्भ में आपको बताया था पॉलीगन सुना है, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे, और जीओ एन का मतलब शब्द जहां भी आ जाए एंगल, जिसके बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी साइड्स हैं, उसको कहते हैं बहुभुज, पॉलीगन। और डेकागन का मतलब, पॉलीगन वैसे होता क्या है, एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन, कोई भी बंद आकृति है उसको बहुभुज या पॉलीगन कहते हैं। त्रिभुज सबसे छोटा पॉलीगन है, सबसे छोटा का मतलब इसकी सबसे नंबर ऑफ साइड्स क्या है, कम है। फिर चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन यानी पंचभुज, फिर हेक्सागन यानी कि षष्ठभुज, फिर सप्तमभुज, अष्टभुज, नैनोगन, डेकागन और पॉलीगन, और इवन सर्कल इज अ पॉलीगन, सर्कल भी एक पॉलीगन है, वृत्त भी एक बहुभुज है, लेकिन वृत्त कैसा बहुभुज है, जिसकी भुजाओं की संख्या अनंत है, जिसकी साइड्स क्या है, इन्फिनिटी है। तो पॉलीगन टेक्निकली कहते हैं किसको, कोई भी क्लोज फिगर है वो पॉलीगन है। तो पॉली का मतलब मैनी, ऐसे ही हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब छह, जिसके छह कोण हो। पंचभुज पेंटागन, पेंट का मतलब पांच, और गन का मतलब एंगल हो। तो जीओ एन का मतलब एंगल, तो टेक्निकली मैं यहां क्या बताना चाह रहा था, पॉली रूट में ही डिस्कस करना चाह रहा था कि जीओ एन का मतलब होता है एंगल, और डेका का मतलब होता है 10। तो दिसंबर हम किसको कहते हैं फॉर्मली, पहले जो रोमन का दसवां महीना होता था ना, उसको दिसंबर कहते हैं।
अभी तो आप 12वें को कहते हो, लेकिन रोमन कैलेंडर के हिसाब से जो 10वां महीना है वो दिसंबर माना जाता है। अब आगे वो कैलेंडर तुम चेक करो, आगे भी चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यानी 2 महीने वो थोड़ा सा पहले ही एडवांस रहते हैं, 2 महीने वो एडवांस रहते हैं, या फिर 10 में ही पूरा कर देते हैं। नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो गए भाई, कोई कैलेंडर में हम 30 मानते हैं, 31 की मानते हैं, कैलेंडर ही तो पढ़ाया मैंने आपको। अब कोई कैलेंडर क्या, नहीं साहब हम तो जो महीना मानेंगे वो 90 दिन का मानेंगे, तो ऑब्वियसली वो चार में ही सुलटा देगा मामले को, राइट। वो कहेगा साहब 35 दिन का मानेंगे, तो डेज एडजस्ट होते रहेंगे, 10 महीने में पूरा कांड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए सेप्टेट, टेट का देखिए, टेट शब्द जहां भी आए, ये वो टेट नहीं है, वो टीचर्स वाला टेट नहीं है, सेप्टेट। और मैंने कुछ भी और भी बताए थे, टेट का मतलब होता है जो म्यूजिशियंस है ना, उनका ग्रुप होता है, एक तबला बजा रहा है, एक ढोलक बजा रहा है, एक गा रहा है, एक कोरस दे रहा है, एक मजीरे पीट रहा है, ठीक। तो 7 म्यूजिशियंस जिस ग्रुप में होते हैं उसको बोलते हैं सेप्टेट। सेप्टोजेनेरियन, मैंने शायद ऑक्टोजेनेरियन भी बताया था, ऑक्टोटेट भी बताया था, ऑक्ट का मतलब 8 और ऑक्टोजेरियन का मतलब जो आदमी 80 की उम्र में चल रहा है, और सेप्टेजेरियन का मतलब क्या, ऐसा आदमी जो अपने 70 के आयु में चल रहा है, तो उसको कहते हैं पर्सन इन हिज 70s। और ऑक्टोजेनेरियन का मतलब क्या होता है, ऑक्टो का मतलब 8, हाँ, जिसकी उम्र 80, 81, 82, 83, 84 जो भी है, 80 में चल रहा है, क्लियर है भाई। ओके, रूट्स में आज के लिए इतना ही। अब जो बचा हुआ था आपका टेंस, और वो था प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ भाई, हिंदी मीडियम से तो कोई नहीं है ना, ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अच्छा पास्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हिंदी मीडियम के हिसाब से ये पढ़ लिए ना, ता है, ती है, चुका, मरा, गया, ये सब गलत है, कंपटीशन में होंगे, मोंगरोगे। और इंग्लिश में विशेष रूप से अगर ये फालतू की कबाड़ा आपने दिमाग में रखा, इंग्लिश में टेंसेस कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप इन चीजों को देख के चलना। ऐसा नहीं कि तुमने कहीं चुका था देखा और भैया बस हेड लगाना, चुका था आ गया, अब तो सब हेड आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए हेड और थड़फा मानी आनी है, ये सब आपको गड्ढे में गिरवा देगा। हाँ, आप नीच के किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर, समझ में आ रही है। तो यहां कंडीशंस हैं, अब पास्ट परफेक्ट की क्या कंडीशन है वो जरा समझना, क्योंकि लैंग्वेज इज द व्हीकल बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड व्यूज। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे थॉट्स को, व्यूज को एक्सप्लेन करने का एक माध्यम है। तो इसके लिए इंग्लिश में मैंने बताया रूल बहुत कम है और अपवादों की बड़ी लंबी लिस्ट है, राइट। तो अपवाद बहुत ज्यादा है, रूल बहुत कम है, तो इसीलिए मैंने कहा था हर टेंस को मैंने गलत सिद्ध किया, पहली बात तो हिंदी के हिसाब से, और मैंने कहा कि ये भाव, ये कंडीशन अगर आपके दिमाग में आए तब इस प्रकार का सेंटेंस को स्ट्रक्चर देना, ठीक है, ये करेंगे तब ही सही है, नहीं तो गलत है। 99% टीचर्स जो हिंदी बोर्ड से आए हैं वो पूरा कबाड़ा करने में लगे हुए हैं देश के। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल ऑफ देम, मतलब वो सभी गलत है, लेकिन हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं चलती, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से चलती है। अब इस टेंस का देखिए प्रयोग, मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में फिर आपको समझा दूंगा। सर एक बोले सर, मैं जा रहा हूँ। सर नंदगांव जा रहे हो? यस सर, यहाँ से तो छोड़ दिया, अब ट्रेन चलने आ रही है ना। कब? 1 फरवरी से। ठीक, तो अब नंदगांव से आ रहे हो? यस सर, महीना हो गया था मेरा। ठीक, तो मैं फोन करूँगा, कुछ काम होगा तो मैं बताऊँगा।
ले आएंगे ना, वहां से कुछ सामान भी मंगाओ। देखो भाई मैं फोन कर लूंगा आपको, है ना, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। जी नोट कर लेना। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, देखिए इस टेंस का हम कब प्रयोग करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन वी कंबाइन टू एक्शंस ऑफ द पास्ट। इस टेंस का प्रयोग कब हम करते हैं, जब हमें पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ना हो। और किन घटनाओं को, जिनमें आपस में कुछ संबंध हो, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड You need to emphasis on one, और जब हमें एक घटना पर जोर देना हो यानी कि emphasis करना हो। इस स्थिति में जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड रहती हैं, तब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जब हमें पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ना हो, टू कंबाइन टू एक्शंस पास्ट, जब किन घटनाओं को, जिनमें आपस में कुछ संबंध हो, और जब आप किसी एक घटना पर जोर देना चाहते हो, बल देना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि स्कूल पहुंचने पर पता चला कि मेरी नोटबुक छूट गई है, आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग माय इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ये दोनों घटनाएं पास्ट की थी, तो पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने के लिए, जिनमें आपस में कुछ संबंध हो और एक घटना पर आप जोर देना चाहते हो, इम्फेसिस करना चाहते हो। जैसे कि स्कूल पहुंचने पर पता चला कि मैं अपनी नोटबुक भुलाया, पास्ट में ही तो स्कूल पहुंचे थे, पास्ट में ही आपको पता चला कि आप नोटबुक भुलाए, दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, ठीक है, और दोनों में कुछ संबंध है, स्कूल के जाने का नोटबुक के भुलाने का संबंध हो सकता है, और आप इम्फेसिस किस पर रहे हो, यार बुक तो भूल ही गए, तो जोर किस पे दे रहे हैं, बुक पे भूल। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, इसीलिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, व्हेन वी रीच्ड द थिएटर द प्ले हैड बिगन। जैसे ही हम थिएटर पहुंचे, पिक्चर स्टार्ट हो गई, तो दोनों ही घटना पास्ट की थी, पास्ट में तो थिएटर पहुंचे, पास्ट में ही पिक्चर स्टार्ट हो गई, और थिएटर के पहुंचने का और पिक्चर के स्टार्ट होने का संबंध हो सकता है, और आप इंफेसिस करें, यार पिक्चर तो स्टार्ट हो गई, टिकट और ले ली हमने, तो
तो इम्फेसिस किस पर आप करना चाह रहे हैं कि ये पिक्चर स्टार्ट हो गई, तो दोनों घटना पास्ट की, दोनों में आपस में संबंध है, पिक्चर हॉल में पिक्चर ही देखने जा रहे हो, इंग्लिश की बुक तो पढ़ने नहीं जा रहे, राइट। और आप इम्फेसिस किस पर करना चाहते हैं कि यार पिक्चर स्टार्ट हो गई। अगली घटना देखिए, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल गई, तो स्टेशन भी पास्ट में पहुंचा था, पास्ट में ट्रेन निकल गई, दोनों घटनाएं किसकी थी, पास्ट की, और दोनों में संबंध है, स्टेशन पहुंचने का ट्रेन छूट जाने का संबंध हो सकता है। आप एम्फेसिस किस पर कर रहे हैं, अरे यार ट्रेन छूट गई, ठीक है ना। तो इसका हम कब यूज करते हैं, ऐसी दो घटनाओं को जोड़ने के लिए, टू कंबाइन द टू एक्शंस पास्ट सच दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, यानी उन दोनों में आपस में कुछ संबंध हो और आप किसी एक पर जोर दे रहे हो, एम्फेसिस कर रहे हो। मैं ये नहीं कह सकता स्कूल पहुंच के पिक्चर हॉल पहुंच के पता चला कि मैंने इंग्लिश की नोटबुक भूले, तो पिक्चर हॉल के पहुंचने का नोटबुक के छूट जाने का कोई संबंध नहीं। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा हो पिक्चर स्टार्ट हो गई। अब स्टेशन के पहुंचने का पिक्चर के स्टार्ट होने का कोई संबंध नहीं है ना, ये लॉजिकल सीक्वेंसेस हैं, तो इनमें आपस में कुछ संबंध भी होना चाहिए। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, महत्वपूर्ण घटना क्या है, डॉक्टर का आना या पेशेंट का मर जाना, पेशेंट का मर जाना, डॉक्टर वॉक्टर तो कितने आते रहेंगे, मेन चीज तो ये था कि वो निकल लिए पेशेंट जी। तो मैं क्या कहूंगा, द पेशेंट, मुख्य जो घटना है, जोर किस पर दे रहे हैं, पेशेंट मर गया, द पेशेंट कहेगा हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये दोनों ही घटनाएं पास्ट की थी, डॉक्टर का आना भी पास्ट में ही था, पेशेंट का मरा भी पास्ट में है, दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, और दोनों को जोड़ने के लिए स्टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। जोर किस पर दे रहे हैं, पेशेंट तो मर गया, तो मैं पूछे हम क्या करें, आई होप आई एम क्लियर। और पेशेंट के मर जाने का पेशेंट का डॉक्टर से संबंध होता है, आई होप आई एम क्लियर। तो ये टेंस आपको समझ में आया या नहीं, कब प्रयोग करना है ये समझ में आ गया, इलॉजिकल तरीके से इसका प्रयोग नहीं चलेगा, चुका था देखा और आप कूद पड़े मैदान में, राइट। तो टेंसेस में मैंने बस आपको यही बताया कि कंडीशंस के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया, निकट भविष्य की कोई बात आपको कहनी है तो किसमें कहनी है भाई, नियर फ्यूचर की बात आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी कह सकते, जैसे कि मैं शाम को मूवी देखने जाऊंगा, किसी भी हालत पर रुकने वाला नहीं हूं, तो आई एम गोइंग टू अ मूवी इन द इवनिंग, क्लियर। तो मैं शाम को मूवी देखने जाऊंगा, जा रहा हूं नहीं होगा, क्या होगा, जाऊंगा। मैं लिख देता हूं हिंदी के जो ज्यादा फैन है उनके लिए, इसकी हिंदी होगी जाऊंगा फ्यूचर में, अभी नहीं जा रहा हूं। मैं कल प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, आई एम सीइंग द प्रेसिडेंट, हाँ अध्यक्ष जी से मिल लो भले, एट 3 PM, यानी 3 बजे मैं अध्यक्ष जी से मिलूंगा। यहां पर सी का मतलब देखना नहीं है, देखने के संदर्भ में कभी भी सी का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते, और अगर करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मीटिंग, यानी कि मिलना। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप आंख मीच करके मीनिंग याद मत कर लेना, कि हिंदी आपने देखी तो हिंदी के हिसाब से तो भाव भी गलत है मीनिंग, ध्यान रखना। ये सी का प्रयोग मैंने बताया ना, ऐसी वर्ब जो कि वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाती है, जो तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स पर आधारित वर्ब रहती है, आंखों से आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं ना तो हियर, नाक से सुनते हैं, ये तो सेंस ऑर्गन्स है आपके, स्मेल, नोटिस एक्सेट्रा, इनका कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते। और ऐसी 5 तरह की वर्ब हैं जिनका नहीं करते, इसलिए मैंने कहा था ये टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं मैं एक पक्षी को देख रहा हूं, आई एम सीइंग अ बर्ड, तो ये सेंटेंस बुरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि देखने के केस में सी का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता। क्या होना चाहिए, आई सी अ बर्ड, आई होप आई एम क्लियर। तो दिस विल बी द करेक्ट वन।
हियर का मतलब सुनना होता है, लेकिन सुनने के केस में कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसका प्रयोग नहीं करना, जैसे कि द जज इज हियरिंग द केस टुमारो, तो जज कोई भगवान थोड़ी है जो केस सुनेगा, वो तो सबूत के बिना पे फैसला देता है, कानून देखता है, कानून को इंटरप्रेट करता है, गवाह देखता है, टेस्टिमोनीज देखता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो वो क्या करता है, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कहते हैं ना जैसा, तो कंडक्टिंग ट्रायल, तारीख पे तारीख देता है बेचारा जब तक सत्य उसके हाथ में नहीं आ जाता। तो जज क्या करता है, सुनता नहीं है, भगवान थोड़ी है, सुना और उसको पता चल गया कि साहब यही अपराधी है, दो उत्तर तुरंत सजा, वो तारीख पे तारीख देता है, यानी कि ट्रायल कंडक्ट करता है। तो यहां पर हियर का मतलब सुनना नहीं है, हियर का मतलब ट्रायल कंडक्ट करता है। यहां पर सी का मतलब देखना नहीं है ऊपर, यहां पर सी का मतलब देखना नहीं है, आई एम सीइंग द प्रेसिडेंट, यहां पर सी का मतलब क्या है, मिलना है। समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने कहा हिंदी के हिसाब से कहीं आप ज्यादा फ्रेंडशिप मत निभाना हिंदी से, और कहीं आप याद कर लें शब्दों का। तो वैसे तो देखें व्यू का मतलब भी, लुक का मतलब भी, सी का मतलब भी, वॉच का मतलब भी, इन सबका मतलब हिंदी के हिसाब से देखें तो देखना ही तो होता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं आई एम सीइंग का वर्ड पूरी तरह गलत है। तो इसीलिए अगर कोई मीनिंग याद करो तो ऐसा नहीं इसका मतलब देखना होता है और आप बस खुश हो गए कि मीनिंग तैयार हो गई, आपको उस पर एक सेंटेंस और तैयार करना है जिसमें इस मीनिंग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में आपको प्रयोग ही करना है इस मीनिंग का। गेटिंग माय पॉइंट? तो डिक्शनरी में दिया जाता है ना एक सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को याद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये टेंस। तो और जनरली मैंने आपको बताया जैसे कि हैव का मतलब होता है रखना, लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एम हैविंग माई फूड, भाई हैव की मीनिंग क्या होती है? हैव का मतलब आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, मेरे पास एक फूड है। आई एम हैविंग माई फूड का मतलब आई एम ईटिंग माई फूड। तो यहां पर हैविंग का मतलब रखना नहीं है, पजेशन नहीं है, ये क्या है, एक्ट ऑफ ईटिंग, यानी कि खाना, मैं अपना खाना खा रहा हूं। तो हैव का मतलब यह खाना हो जाता है। तो हैव का, ओन का, बिलोंग का, हैव ओन बिलोंग पजेसेस एक्सेट्रा, ये क्या है, ये हमारी कहलाती है वर्ब्स ऑफ पजेशन। इनके साथ भी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके साथ भी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग नहीं। मेरे पास एक, मेरे घर एक फोन है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव अ फोन एट माई रेजिडेंस। लेकिन ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग माई फोन एट माई रेजिडेंस, मैं अपने घर पे जाके फोन को खा रहा हूं, नहीं। समझ में आ रही है? इनको कहते हैं वर्ब ऑफ पजेशन। क्यों कहते हैं? पजेशन का मतलब मालकियत, ये तुम्हारे पजेशन में है, तो यानी तुम्हारे कब्जे में है, इस पर तुम्हारी मालकियत है। तो ये वर्ब ऑफ पजेशन के साथ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग नहीं करते। और मैंने आपको बहुत सारी वर्ड्स बताए, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कल का मेरा स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंसेप्ट रहेगा सर्कुलर रेसेस। सर्कुलर रेसेस का मतलब जैसे सर्कल आपने देखे होंगे, फील्ड सर्कल में दो लोग चक्कर लगाते हैं ना, एक तो ए है, ये चक्कर लगा रहा है, इसकी स्पीड मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड है। ए बी है, ये भी चक्कर लगा रहा है और इसकी स्पीड मान लिया 3 मीटर पर सेकेंड है, और ये 1600 मीटर का ट्रैक है, सर्कुलर रेसिस का कंसेप्ट होता है। या फिर फौज की तरह सड़क पर भाग रहे, भगाओ 2 किलोमीटर, तो सीधे भग रहे हैं, लेकिन जनरली सर्कुलर ट्रैक्स पे आपने भागते हुए देखे, जो भी ट्रैक होगा ना तो सर्कुलर हो। अब अगर ये एक ही दिशा में दौड़ते रहे तो ये एक दूसरे से कम मिलेंगे, एक दूसरे से कम मिलेंगे। और फिर अगर ये विपरीत दिशा में दौड़ते रहे तब एक दूसरे से कम मिलेंगे। अगर ये ए इधर दौड़ रहा है, बी इधर दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो कितनी देर में मिलेंगे? तो ये कौन सी होगी, रिलेटिव स्पीड। बी ए इधर से दौड़ रहा है, बी इधर से दौड़ा, तो जल्दी मिल जाएंगे ना, तो कितने समय बाद मिलेंगे? रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। लेकिन
तो टाइम हमारा कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बट्टे चाल। लेकिन दो जने दौड़ रहे हैं, एक जना दौड़े तो चाल और दो जने दौड़े तो रिलेटिव स्पीड कहते हैं इसको, यानी कि सापेक्ष चाल, एक दूसरे के सापेक्ष में कैसे दौड़ रहे हैं। और मैंने बताया रिलेटिव स्पीड अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में दौड़ रहे हैं तो प्लस हो जाती है, और अगर एक ही दिशा में दौड़ रहे होते तो माइनस हो जाती है। ये डिफरेंट दिशा में दौड़ रहे हैं तो 200 सेकंड बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर ये एक ही दिशा में दौड़ रहे होते तो ये सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घट जाती है, तो ये 800 सेकंड में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अगर 800 सेकंड में मिलते तो ये 5 की स्पीड से 1 सेकंड में 5 मीटर दौड़ जाता है, 800 मीटर 8.40, 4000 मीटर दौड़ जाएगा, नहीं है 800 मिनट में। अगर ये एक ही दिशा में दौड़ते हैं, यानी कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो आपको पता है एक ही दिशा में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, v1 माइनस v2। और अगर ये विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल जिसको हिंदी में कहते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, v1 प्लस v2 हो जाती है। आई होप आई एम क्लियर। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, एक भाग रहा है 5 की से, दूसरा भाग रहा है 3 की से, और एक दूसरे के अगर विपरीत भाग रहे हैं तो 5 और 3 नीचे क्या आएगा, 8। और अगर सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। तो अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे, ये 800 सेकंड बाद। 800 सेकंड का मतलब ये बंदा 5 मीटर कवर कर लेता है एक सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, पर सेकंड का मतलब एक सेकंड, और ऊपर 5 क्या शो कर रहा है, 5 मीटर कवर कर लेता है कितने में, एक सेकंड में, और ये कितना दौड़ रहा है, 800 सेकंड बाद मिल रहा है ना, तो 800 सेकंड में कितना, 8.40, 4000 मीटर कवर कर लेगा ये, एक सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है, तो 800 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 24, यानी ये 2400 मीटर कवर कर लेगा, कर लेगा नहीं करेगा। अब आप बताइए तो ये मिलेंगे कहां, अब 2400 मीटर का मतलब 1600 मीटर का तो ट्रैक है, 16 और 8 24, यानी कि ये डेढ़ चक्कर कवर कर लेगा, ये डेढ़ चक्कर लगा लेगा, नहीं लगा लेगा, क्योंकि 1600 मीटर का ट्रैक है तो भाई एक चक्कर तो उसने पूरा पूरा लगा लिया, और फिर 1600 के बाद 800 और दौड़ा, यानी कि ये इसको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये तो डेढ़ चक्कर लगा चुका होगा, ये 16 दूनी 32 और 800 ये ढाई चक्कर लगा चुका होगा। जब ये एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे तो ये 800 सेकंड बाद मिलेंगे, और 800 सेकंड में बी डेढ़ चक्कर लगा चुका होगा और ए ढाई चक्कर लगा चुका होगा, और इस जगह में कहानी समझ आएगी। अब इसी तरीके से हम इसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर ये विपरीत दिशाओं में दौड़ेंगे तो 200 सेकंड बाद मिलेंगे, और 200 सेकंड का मतलब ये कितना कवर कर लेगा, 5 दूनी 10, ये तो 1000 कवर कर लेगा, और ये कितना करेगा, 600। तो लगभग कहां मिलेंगे, ये ए इधर भाग रहा है ना, ये तो ये 1000 कवर करेगा, तो ये 800 तो यहां तक हो गया, लगभग ये यहां मिलेंगे, कब कब, जब ये विपरीत दिशाओं में है, अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, तो इस अब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, इन सब की विस्तृत चर्चा एक एक बेसिक को खोल के वो मैं आपको बताऊंगा। और ये सर्कुलर रेसिस का कंसेप्ट है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 के अलावा क्वेश्चन कैट में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, उन 3 क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा और इसके बेसिक्स को धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ हो सकता है नहीं समझ में आए, तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का सिद्धांत, और उसके बाद में डिस्कस करूंगा बोट्स एंड स्टीम्स वाला कल। आप अगर पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस की तो आपके पास एक्सेस है ही, तो सारे टॉपिक्स की वीडियोस तो आपके पास होंगी हमारे पोर्टल पे, तो पोर्टल पे से खोल के एक बार उसको पढ़ लेना, क्योंकि पहले क्लास आप लेके आओगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी और आपके क्वेश्चंस खुद इकट्ठा होंगे, क्योंकि जब आप पढ़ के आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना, आप पढ़ा के दिखाओ सर अब हम बताते हैं पढ़ गया है, तो वो क्लास जो पढ़ाऊंगा वो पहले से ही आपके पास अवेलेबल रहेगी, आपके पोर्टल पे मोबाइल लैपटॉप से देख लेना उसको, डाउट वहां मत डालना, वहां डाउट वैसे ही उन बच्चों के डले हुए हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ डाउट लेके आना, अब आप पूछना जब आप बताओ इसको बताता हूँ मैं, ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस में आप आओगे तो आपको समझ, ठीक है भाई, सी यू टुमारो, टुमारो का मतलब डे आफ्टर टुमारो, हाँ कल 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस, सॉरी
गणतंत्र दिवस, हाँ आपका स्वतंत्रता दिवस लिखो। भारतीय वायुसेना ग्रुप एक्स और वाई एफकेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं और इन 3 महीने में आप 100% अपनी सफलता इस परीक्षा में सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इन परीक्षाओं में स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा महत्व रहता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 35 से 40 सेकंड का समय मिलता है। मेरे कोर्सेज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी आप क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर लें। मेरा नाम है एनके गोस्वामी, मैं इंडियन एयरफोर्स से एक्स सर्विसमैन हूं और पिछले 16 साल से मैं बच्चों को डिफेंस की तैयारी कराता हूं। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। मेरे कोर्सेज से जुड़ने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 8954777199 नंबर पर। जल्दी करें क्योंकि इन कोर्स के लिए लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है।